हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी डिविटी टेरोसिक्स एक्सपोज डॉक ने सो कैसे सब लोग आई होप एवरीवन इज़ फाइन तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में है कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है और कौन आ रहा है सो हु इज कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग सो गाइज दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है ये जो है रीडिंग ये आपके पर्सनल लाइफ आपके करियर आपके वर्क आपके लाइफ परपज से रिलेट हो सकता है आपके जो करेंट कंडीशन है उससे भी रिलेट होगा लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स का गाइडेंस और इससे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको ध्यान से सुनना है आदर यू कैन पिकअप अ पाइल मैंने यहाँ पे छह डेक्स से मेडिटेट करके पाइल का जो कार्स से वो निकाला है ताकि मैं डिटेल से डिटेल आपको बता पाऊँ क्योंकि सिक्स डेक्स को शफल करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था ठीक है एवरी डे आई शफल द डेक्स बट टूडे आज मैंने एक स्पेशल किया है बहुत डिफरेंट डेक से मैंने यहाँ पे मेडिटेट करके रखा है ना आपको कैसे चूज करना है दिस इज फॉर ग्रुप नंबर वन चाम आप चाम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो दिस इज फॉर ग्रुप नंबर वन एंड दिस चाम इज फॉर ग्रुप नंबर टू और सबसे जो इजी है वो है आपके नाम का पहला अक्षर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम अगर ये स्टार्ट होता है <coughs> ए सी जी आई के एमओ क्यू आर एक्स क्यू आर यू एक्स पाई से तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए होगा और अगर आपके इनिशियल स्टार्ट होते हैं बी डी एफ एच जे एल एन पी एस टी वी डब्ल्यू एनजे तो ये रीडिंग आपके लिए होगा ओके सो ये है ग्रुप नंबर वन ये है ग्रुप नंबर टू ओके सो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको हम देखेंगे और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे सो so, हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप वन से उसके बाद हम जाएंगे ग्रुप नंबर टू पे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें इंस्टाग्राम में फॉलो करें इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा सो हेलो ग्रुप नंबर वन अगर आपकी इनिशियल्स है ए सी जी आई के एमओ क्यू आर यू एक्स एंड वाई और अगर आपने ये फ्लावर्स सिलेक्ट किया था तो कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है देख लेते हैं उसके बाद हम जो एंजल का जो डेक है इसको हम देखेंगे ओके पहले हम इसको देख लेते हैं गाइस सो डिफरेंट डेक से जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मेडिटेट करके रखा है ताकि मैं डायरेक्टली बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपके सामने मैं लेके आ पाऊ ओकेट right, तो लेट मी प्लेस द कार्ड्स सो so गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है जेंडर न्यूट्रल है मेल फीमेल सभी के लिए है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें इंस्टाग्राम में फॉलो करें इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा ओके एंड आई एम आल्सो अ ट्रैवल एंड फूड ब्लॉगर सो अगर आपको मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस यू कैन ऑल्सो डू दैट ठीक है तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट कार्ड वी हैव द टेम्परेंस द सीधी यहाँ पे है सिक्स ऑफ शैलिस हमारे पास है एस ऑफ कप्स यहाँ पे है रिसीविंग वी हैव द लव वी हैव द सेक्रीफाइस वी हैव द फिनिक्स राइजिंग इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ठीक है इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ फिनिक्स राइजिंग यहाँ पे है वाइल्ड थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर देती हूँ आपको सारे कार्ड्स दिखाई देंगे ओके वी हैव द सेक्सुअलिटी इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ वी हैव द नाइट ऑफ कप्स वी हैव द पेज ऑफ वैंड देखो कितना ज्यादा कार्ड्स है इसको अगर मैं शफल करती तो कितना वो टाइम कंज्यूमिंग होता six of wands we have the sun ek ek cards main aapko describe karungi so don't you worry this is a believe in magic okay पहले मैं दो मिनट मतलब थोड़ा सा देख लेती हूँ ठीक है हम्म All right. <coughs> लव लाइफ रिलेशनशिप में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज वेरी क्लियर राइट नाउ सैक्रीफाइस रिसीविंग एंड लव ठीक है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि काफी ज्यादा आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानी दिया है ठीक है कुर्बानी का सेंस इस तरह से है कि आपने लोगों का बहुत ज्यादा मदद किया है ठीक है लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा डिवोटेड थे चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो फ्रेंडशिप्स में रहे या रिलेटिव्स में रहे अपने मॉम एंड डैड के लिए रहे अपने भाई बहन के लिए रहे उनके लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है लाइफ में नाउ इट्स अ सेक्रीफाइस टू लव लव के ऊपर ठीक है यहाँ पे गॉड्स कटिंग अवे ऑल दैट नीड्स टू गो इल्यूशंस अपसेशंस एंड एडिक्शंस मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हो कि इस तरह से ऐसे प्यार में थे ऐसे माया जाल पे थे आप कि जहाँ पे आप पूरी तरह से फंस गए थे कुछ लोग का यहाँ पे गणेश चतुर्थी में बर्थडे हो सकता है किसी का और कुछ लोगों को वेडनेसडे में बर्थडे हो सकता है आई डू फाइंड यहाँ पे जो मुझे लग रहा है यू विल रिसीव द लव ठीक है एक नई दुनिया आपके लिए वेट कर रहा है अभी ये देखो दिस लव इज ओनली गिफ्टेड बाई यूनिवर्स ये जो यूनिवर्स है और आप इस लव को रिसीव कर रहे हो क्यों क्योंकि आपने पूरी तरह से हायर सेल्फ हायर जो डिवाइन है यहाँ पे आपने सरेंडर कर दिया जब आप सरेंडर कर रहे हो तब आप बहुत ही जैसे बोलते ना फ्रैगनेंट एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हो सो यू आर रिसीविंग यहाँ पे देखो द कलर इज येलो सो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रहा है और आप इस इसको जब छोड़ रहे हो ना यू आर रिलीजिंग दिस बर्ड जब आप उसको चिड़िया को छोड़ दे रहे हो जाने दे रहे हो तभी जाके आप कोई चीज को, को पकड़ रहे हो तो आपको कभी रिसीव नहीं हो पाएगा

यहाँ पे गणेश जी इज द पावर एंड सेंटर कि वो सारे ऑब्स्टेकल्स आपके जो कुंडली है आपके जो भाग्य है उसमें से वो निकल देते हैं तो इफ यू कैन वर्शिप यू कैन वर्शिप लॉर्ड गणेश नाउ यहाँ पे ये यह बोला जा रहा है कि इफ यू रेस्ट्रिक्ट मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए जीत डेफिनेटली हासिल होगा बिकॉज आई कैन सी इट यहाँ पे मुझे लग रहा है आप कॉन्स्टेंटली फोकस करते हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत में इसमें लगे हुए हो क्या ओके कैंसर पाइश स्कॉर्पियो हो सकते हो आप ओके एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हो आप आई डू फाइन एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है लियो है यहाँ पे है यस थोड़े सर्गो कैप्रिकॉर्न का भी एनर्जी है सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है सेजिटेरियस इज देर यहाँ पे देखो हर एक चीज आप बैलेंस कर पा रहे हो ये अगर आपके वर्क स्टाइल और हम आपके करियर के बारे में बोले क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप करियर के बारे में भी हमें ज्यादा बताइए तो मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बताना जरूरी समझा यहाँ पे मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऑफर uh, रिसीव हो सकता है रिगार्डिंग वर्क हो सकता है आपको कोई काम दे दे ठीक है और उस काम में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाए या हो सकता है आपके ऑफिस में आप काफी ज्यादा बिजी हो जाओ आपने ही हो सकता है दिस इज योर ऑफिस दिस इज योर केबिन जैसे मैंने आपको वादा किया है इस रीडिंग के शुरुआत में ही कि मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेनेशन में देती रहूंगी ठीक है तो यहाँ पे मुझे देखा ही दे रहा है कि दस सीधी फोर्टीन नंबर इज इम्पोर्टेंट वन सिक्स नंबर इज इंपॉर्टेंट टिल नाउ यस फिफ्टीन नंबर इज इम्पोर्टेंट फिफ्टीन थर्टी टू ओके किसका एज हो सकता है थर्टी टू किसी का एज हो सकता है ट्वेंटी थ्री किसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है फिफ्टीन सिक्स 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 बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे सकता है शुक्र रिलेटेड राशि आपका वृषभ राशि और तुला राशि हो सकते हैं। ना स्पेसिफिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ही विल बी इन्वॉल्व आप बहुत ज्यादा अपने स्टडीज पे इन्वॉल्व होंगे आप बहुत ही ध्यान से जैसे आपका जैसे मन बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहा था लेकिन यहाँ पे बैलेंस आएगा आप अपने मन को शांत कर पाओगे और अपना जो काम है आपका जो कर्तव्य है आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है आप उसमें से ही इन्वॉल्व होंगे और बेस्ट आपको मिलेगा मैंने आपको बता दिया द बेस्ट इज येट टू कम बेस्ट अभी तक आया नहीं है बट बेस्ट आने वाला है ठीक है इस कार्ड में और इस कार्ड में मुझे ये सिमिलैरिटीज दिखाई दे रहा है सम हाउ यू आर इन्वॉल्विंग यू आर डूइंग सेल्फ लव ओवर हियर आप सेल्फ लव कर रहे हो फिनिक्स राइजिंग का मतलब ये है कि फिनिक्स इस तरह का पक्षी है ठीक है जो राख से भी वो उठ उठ जा रहा है ठीक है आप इसका मतलब समझ रहे हो डेथ के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड फिनिक्स राइजिंग मतलब कोई हो सकता है आपके जीवन में आया था आपको बहुत ही जबरदस्त बिट्रे किया हुआ था आपके जिंदगी को इस तरह से छोड़ के गया था यू आर हेल्पलेस एंड होपलेस मे बी करियर में आपका काफी ज्यादा डाउनफॉल हुए ठीक है लोग आपको बहुत ज्यादा ब्लेम किए होंगे आपके लाइफ में लेकिन आप उनको चुनौती दोगे आप उनको चैलेंज दोगे कि आप किस तरह से आपका ग्रोथ हो रहा है आपका डेवलपमेंट आ रहा है एंड अगर बात आता है रिलेशनशिप का मुझे लग रहा है यू मे बी इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ट्विन फ्लेम एनर्जी आर वेरी मच चैलेंजिंग किस तरह से वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं क्यों ट्रिगर करते हैं ताकि एक दूसरे का ग्रोथ हो और जब ये दोनों रिश्ते दोनों पार्ट बैलेंस हो जाते हैं तब जाके उनका डिवाइन यूनियन हो जाता है सो so, यहाँ पे यूनियन है बेसिकली यूनियन है और किस बात का भी यूनियन है आपके सारे जो चक्रस हैं उसमें भी हीलिंग आ रहा है आपके लिए और जब आप खुद फिट रहोगे खुद स्टेमिना होगा आपके पास तो किसका डर है किस बात का प्रॉब्लम है आपके लाइफ में आपको विश्वास रखना पड़ेगा बिलीव इन मैजिक ठीक है मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे नॉर्दर्न साइड से हो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है और मुझे यहाँ पे ये यह भी लग रहा है मे बी फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ योर कंट्री या हो सकता है जहां पे आप रहते हो नॉर्दर्न पार्ट से आपके लिए कोई मैसेज कॉल टेक्स्ट आए चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो समझ में आया बिलीव इन मैजिक इसका मतलब यह है कि आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे आपके साथ ऐसा हो रहा है बट आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मेरे साथ सारे अच्छाई हो सकता है तो आज का जो टॉपिक था वट इज कमिंग फॉर यू सो मैजिक इज कमिंग फॉर यू मैजिकल थिंग्स आर कमिंग फॉर यू बट ये कब हो रहा है वेन यू ट्रस्ट द डिवाइन पाथ तब हो रहा है और जब अपने आप, आप फोकस करे हो मुझे यहाँ पे लग रहा है दिस इज द वाइल्ड एंड दिस इज द सेक्सुअलिटी ठीक है और आई डू फाइंड इफ यू फाइंड हो सकता है कि देखो इस इस दोनों का दो मतलब है आधा तो इस तरह से हो सकता है बोथ आर रेड सो पैशनेट लव रिलेशनशिप्स आर कमिंग ऑफ़ कोर्स ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके लिव इन रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं नाउ ये जो इंसान है ठीक है ये इंसान ऐसे है मे बी दिस पर्सन मे बी अगर हम आपके लाइफ पार्टनर को कंसिडर करें आई डू फाइंड इनको एंशेंट माइथोलॉजी ठीक है स्कल्चर इस तरह का जगह पे जाना ठीक है घूमना एक्सप्लोर करना वो सारी जगह इनको पसंद होगा या आपको पसंद है और आपको वाइल्ड मतलब सेक्शुअलिटी मतलब इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है जहाँ पे दिस लुक्स लाइक अ डेविल कार्ड कि आप एक दूसरे को ठीक है सम ऑफ यू मे बी इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप ठीक है आई डो फाइंड दैट नॉट फॉर ऑल यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको शो करेंगे व्हाट इज़ द रियल पाथ व्हाट इज़ द रियल लव प्यार क्या होता है प्यार की असलियत क्या होता है दिस इज सम काइंड ऑफ वाइल्ड लव ऑल्सो एट द सेम टाइम वाइल्ड सेक्शुअलिटी ऑल्सो एट द सेम टाइम कि जहाँ पे जिस तरह पे सेक्शुअल चीज को ठीक है यू पीपल विल एन्जॉय ठीक है द मोस्ट नाइट ऑफ कप समथिंग प्रोपोजल इज कमिंग टू यू एज एफर ठीक है बट ये पर्सन हो सकता है आपके कमिटमेंट को टेस्ट करें ओके आई टोल्ड यू की आप लोग को मैसेज कॉल टेक्स्ट आएगा ये देखो दिस इज कमिंग एंड यू आर गोइंग फॉर डेट्स ओके डेट्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हो प्रपोजल न्यू इन्विटेशन न्यू इंटरेस्टिंग ऑफर आपके लिए आ रहा है ओके okay? ये पर्सन के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में टैटूज हो सकता है बहुत ज्यादा स्टाइलिश हो सकता है सलोंस में जाना ठीक है अपने आप को फिट रखना हम हमेशा फ्रंट में रहना इस तरह से मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो होंगे ना आई डू फाइंड देर इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू और कुछ मेमोरीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल देते होंगे वो सारे चीज़ चले जाएंगे ठीक है आई डू फाइंड कुछ ऐसा मेमोरीज है जो आप बिल्कुल याद नहीं रखना चाहते हो तो उसको भी आप रिलीज करने वाले हो बट बेस्ट चीज़ आपके मन में रह जाएगा एंड ओवरऑल का जो एनर्जी है द सन मुझे तो बोलने का जरूरत ही नहीं है सन भी आया पे और एस ऑफ कप्स आई में क्या आया है एस ऑफ कप्स एंड द इट क्लियरली इंडिकेट्स इलेवन इलेवन सी वन वन मे बी यू आर सी इलेवन इलेवन आर लॉट सो यहाँ पे है फायर यहाँ पे है वाटर सो आई डो फाइंड द थिंग्स लाइक यहाँ पे आपको आप अपने जो प्यार है अपना जो आपका जो एक्चुअल सोलमेट है ठीक है यू आर गोइंग टू मीट देम वेरी सुन मे बी विद इन वन ईयर मे बी विद इन वीक मे बी विद इन इलेवन मंथ मीट दिस पर्सन मे बी यू आर गोइंग फॉर अ डेट विद दिस पर्सन प्रोपोजल मैरिज सब कुछ यहाँ पे है लग्जरी कमिंग फॉर यू कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि कंपिटेटिव जॉब्स के लिए कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो सो यू विल बी ऑन द टॉप यहाँ पे देखो एजुकेशन है मे बी यू विल बी द टॉपर ठीक है या आपके जो मार्क्स है आपके जो स्कोर्स है सब लोग बोलते हो ना कि मैम बताइएगा दी बताइएगा कुछ एग्जाम्स के बारे में तो एग्जाम्स क्लियर होने का चांसेस तो मुझे दिखाई दे रहा है बट प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन यू आर वर्किंग फॉर इट प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन आप काम कर रहे हो ना तभी जाके इसका सक्सेस आ रहा है सन आ गया मतलब एवरीथिंग इज विल बी क्लियर टू यू सब कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाएगा यहाँ पे किसी का चाइल्ड बर्थ है सो मे बी विद इन वन मंथ या वन वीक हो सकता है आप कंसीव कर रहे हो ठीक ठीक है 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 ये ये भी हो doctor, things, ये भी हो हो सकता सकता आपके हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रहे हैं जो भी समस्याएं थे आपके माइंड पे वो क्लियर होते जा रहा है ठीक है किसी का यहाँ पे संडे हो सकता है जन्म जैसे बोलते है ना कि जिस दिन आपका जन्म हुआ मेबी इट वॉज अ संडे एंड वेडनेसडे आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर मे बी संडे एंड वेडनेसडे के दिन आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रिसीव करो ठीक है और आपने अभी ये सिलेक्ट किया था अभी नाइट ऑफ पेज ऑफ वस इस तरह से हमें इंडिकेट किया जा रहा है कि आप जब इस सारे चीज़ में इन्वॉल्व होंगे आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो अभी भी ठीक है यू आर वेटिंग फॉर द मीन्स ड्राइव द क्रेजी ड्राइव आप इसके लिए वेट कर, आप करो आप उछल कूद करोगे इतना ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज आपको मिलने वाला है ओके एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप अगर बहुत ज़्यादा वीक थे अंदर से एंड यू आर नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था सो ऑफकोर्स यू आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस ठीक है कुछ लोग यहाँ पे अपने ब्यूटी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है आप लोगों का तो आप अपने लुक्स के ऊपर फोकस करोगे कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करो कुछ लोगों का हो सकता है आप अपने जॉब के ऊपर फोकस करो आपको जॉब मिल रहा है बट जो भी हो रहा है विद इन वन वीक वन मंथ टू वन ईयर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आई एम गिविंग यू द टाइम फ्रेम ठीक है भले एक जनरल प्रोडिक्शन है फिर भी मैं बता रही हो कुछ कुछ लोग यहाँ पे देखो जीत हासिल होते हुए दिखाई दे रहे सिक्स ऑफ वैन इज अ विक्ट्री कार्ड कुछ भी मे बी यू आर गिवन अ प्लेटफॉर्म ठीक है आप प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है यू आर अ परफॉर्मर यू आर अ सिंगर यू आर एन आर्टिस्ट यू आर अ एनी प्रोफेशनल आप देख रहे हो ऑडियंस को आप हैंडल कर रहे हो यहाँ पे स्टेज में उठ रहे हो आप ठीक है यू आर गिवन द हाइस्ट पोजिशन आपके हो सकता बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं इनके साथ आपको स्टार्टअप मतलब कर रहे हो और वो अचानक ब्राइट आइडिया आपके मन में आ रहा है मे बी योर एन यूट्यूबर मे बी योर हैंडलिंग द ऑडियंस मे बी योर हैंडलिंग योर व्यूअर्स बट उस चीज के लिए आपको क्या करना है आप देखो द सेक्रीफाइस यू हैव टू मेक समझ में आ रहा है आपको फेथ रखना है सेक्रीफाइस भी करना है देखो कुछ पाने के लिए कुछ आपको करना पड़ता है यहाँ पे बट इन ए पॉजिटिव है नॉट टॉकिंग आउट नेगेटिव एनी थिंग्स ठीक है अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वट एंजल्स गिव यू मैसेज लेट मी सी फॉर ग्रुप नंबर वन एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी आपको समझ में आया होगा कि इतना कार्ड्स मैंने ठीक है क्यों नहीं लिया था शफल में डोंट स्टॉप देखा डोंट स्टॉप गो अहेड तभी जाके जीत हासिल होगा ना आप क्यों स्टॉप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो फॉर होम यू आर वेटिंग किसके लिए इंतजार कर रहे हो नो 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 डोंट फेट फॉर एनी वन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मैंने आपको क्या बताया था क्या बताया था मैंने देखो ओके गेट मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई चीज के बारे में जानना चाहते हो सो गेट इट मोर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू और जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन लोगे चाहे वो पर्सन का चाहे वो काम का और ज्यादा हेल्प होगा अभी आप पूछोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे जो चीज़ चाहिए अभी नहीं मिल रहा है इट्स नॉट द राइट टाइम आदर तो हो सकता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है उस चीज़ से इसलिए वो चीज़ आ नहीं रहा है और दूसरा चीज़ है अगर आप सब कुछ में बैलेंस्ड हो तो वो सही समय नहीं आया है अभी भी डिफेंड टाइम इज नॉट देयर बट डोंट जस्ट स्टॉप ओके डोंट बी स्टेगनेंट आप एकदम ऐसे नहीं हो सकते चुपचाप नहीं बैठे रह सकते नहीं होने वाला है होने वाला है अरे कब होगा करोगे कुछ तभी ना हो पा रहा है ठीक है मिलोगे नहीं किसी से घर में बैठे हो ठीक है और परेशान हो रहे हो जस्ट बी वेरी कूल एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम आप बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हो रहा है हो जाएगा ना आपके डेस्टिनी में जो है वो होगा और आपके डेस्टिनी में है कि होने वाला है वो चीज़ मिलने वाले हो आप किसी से आर गोइंग टू मीट सेट स्पेशल यू आर गोइंग टू गेट सम मोर क्लाइंट्स यू आर क्रिएटिंग योर ओन ऑडियंस यू आर क्रिएटिंग योर ओन व्यूअर्स आप खुद का जॉब यहां पे बहुत ज्यादा पैशनेटली आप काम कर रहे हो लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे हो दैट इज अ प्रॉब्लम ठीक है तो ये सारे चीज आपको याद रखने हैं जो आपका ख्वाहिश है कुछ लोगों का ऐसा ख्वाहिश भी हो सकता है कि नो आई विल ओनली बी इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप्स आई विल नॉट मैरी आई विल बी सिंगल ऑल द टाइम मे बी That is there. I I want to get a uh, miss passionate romantic life. I want to get married. Yes, of course. Job chaade ho. So, don't stop. Within the next few months, get more information. I hope this group one is clear to you. And uh, you had loved my reading. Please do subscribe, like, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Terror 6 where truth exposes darkness. हाय हेलो ग्रुप टू तो अगर आपके इनिशियल्स है पी डी एफ एच जे एल एन पी एस टी वी डब्ल्यू एन सेट तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है और कौन आ रहा है ठीक है ग्रुप वन में काफी ज्यादा क्लियर और कंक्रीट हमें मैसेजेस मिले तो मैं ऐसे ही आशा रखती हूँ कि यहाँ पे भी मिलेगा ओके मैंने बहुत सारे डेक्स को यहाँ पे यूज किया है इसलिए मैंने शफल नहीं किया है मैंने मेडिटेट करके कार्ड्स को यहाँ पे रख दिया है सो ऑफकोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं आपको एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन मैं दूंगी क्योंकि डिफरेंट डेक्स यहाँ पे यूज हुआ है तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज हमें सही से गाइडेंस देना सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द पेज ऑफ एथम्स दिस इज द पेज ऑफ दस वर्ड्स एक्सम एंड लीब्रा भले ये सारे साइंस के लिए है फिर भी स्पेसिफिक साइंस है बता देते हैं क्वीन ऑफ वैन एरीज लियो एंड सजिटेरियस वी हैव नाइट ऑफ वैंस फायर साइन एंड थ्रू ऑफरिंग ओके इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ हम्म ह्यूमिलिटी एनर्जेटिक क्लियरिंग हेल्प फ्रॉम अबव हैव फेथ हाउ टीचेबल आर यू नाइट ऑफ एंट्स एक एक कार्ड में एक्सप्लेन करूंगी आपको नाइन ऑफ पेंडेकल्स ऑफ पेंडेकल्स टोरासोग कैप्रिकॉन एरिजियो सर्जिटेरियस कैंसर पैशो स्कॉर्पियो एक्रेजिनाइ एंड लिब्रा प्योरिटी वाओ एंड कॉन्ट्रैक्ट सिक्स यू कैन बी अ लिब्रा ठीक है ओके okay. अभी हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पहली बात जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए यही दिखाई दे रहा है कि इस कार्ड को मैं बताना चाहूंगी उसके बाद ना मैं क्या करूँगी ये एंजल डेक्स से आपके लिए मैसेजेस देखूंगी ठीक है देखो ह्यूमिलिटी एनर्जेटिक क्लियरिंग एंड ट्रू ऑफरिंग इसका मतलब अल मैं ह्यूमिलिटी एंड ट्रू ऑफरिंग को आपको समझा देती हूँ आप जिस पोजीशन पे अभी हो ठीक है आप ना अपने आप को दूसरों से बहुत मतलब लो समझते हो आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा आप ऐसे इंसान हो जो काफी ज़्यादा ग्राउंडेड है सोबर है पोलाइट है अपने जो फील्ड है उसमें नॉलेजेबल है आप में कमियाँ कम है ठीक है फिर भी आप क्या करते हो बिकॉज आई आई कुड से नॉलेजेबल लेकिन यहाँ पे क्या है आपके अंदर टैलेंट है पोटेंशियल है एवरीथिंग एबंडेंस भी है ठीक है बट आप अपने आप को समझते हो कम ठीक है आप आपके अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सेस है कुछ लोग के इसलिए क्या होता है आपके लाइफ में एनर्जेटिक जो क्लियरिंग है वो नहीं होता मतलब क्या है कि आपको डर लगता है किसी को खोने का कोई जॉब खोना कोई पैसे खोना इनसिक्योरिटीज बॉर्डर बहुत ज्यादा बॉर्डर्ड होते हो आप थोड़ा सा इधर उधर परेशानी हो तो बॉर्डर्ड होते हो ठीक है यहां पे काली माँ है ठीक है तो ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हर सेल्फ हर्सलटिंग यू ऑफ एंड प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर ल्यूमिनस प्लान ह्यूमिलिटी आपके अंदर है बोल के आप एनर्जेटिक जो क्लियरिंग है आपके जो चक्रज है वो बैलेंस्ड नहीं है लेकिन माँ काली आपको हेल्प कर रहे हैं बट आपको खुद को भी हेल्प करना है थ्रू ऑफरिंग थ्रू ऑफ इन टेक्स वैन बी एन अनबीरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव ठीक है यहाँ पे आपको हो सकता है काफी ज्यादा रिजेक्शन मिला है प्यार में हो जॉब में हो अपने करियर में हो स्टडीज में हो रिजेक्शन मिला है वो मिलता है सब लोग को ओके बट आपने उसको बहुत अपने ऊपर ले लिया सीरियसली ले लिया आपने लेकिन जब आप इस काले यहाँ पे देखो दिस इज अ ब्लैक ठीक है दिस इज नॉट व्हाइट जब आप इस चीज को जाने दे रहे हो टॉक्सिक एलिमेंट को जाने दे रहे हो अपने लाइफ से ठीक है अपने अंदर देखो आप बहुत ज्यादा प्योर सोल हो यू आर प्योर सोल एंड यू आर लाइक दिस ठीक है बट क्या है ना आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो इसलिए आप जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नहीं मिलता है बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ आपके अंदर जो इतना पोटेंशियल है ठीक है वो लोग इतना ज्यादा समझते नहीं क्योंकि आप खुद को वैल्यू नहीं देते हो जब हम खुद को वैल्यू नहीं देते जब हम खुद के ऊपर इतना ही सोचते हैं कि हम कम हैं तो सामने वाला तो सोचेगा ही ऐसे ही वो सोचता है चाहे वो हमारे पार्टनर हो चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो चाहे वो रिलेटिव्स हो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि यू आर यू हैड अ ट्रामाटाइज चाइल्ड आपके जो बचपन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रामेटिक सिचुएशन हुआ है आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोग चिराए हैं एकदम ठीक है वहाँ पर आप लोगों को जैसे बोला जाता है ना कि पीछे पड़ जाते थे लोग ऑफिस में भी हो यहाँ पे भी हो कहीं पे भी हो तो बचपन हो सकता है कुछ लोग का ट्रामेटाइज हो चुका है सब ले सब लोग के लिए नहीं है या हो सकता है कि आपके पीछे बैक बैटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कर रहे हो यू आर वेरी हम्बल यू आर डाउन टू अर्थ पर्सन बट फिर भी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं एनर्जेटिक क्लियरिंग में देखो माँ काली और यू कैन से माँ दुर्गा ठीक है वो आपको हेल्प करे द डिवाइन सोर्स ठीक है इज हेल्पिंग यू द हेल्प फ्रॉम अब डेफिनेटली आपको रिसीव होगा ट्वेंटी सेवन नंबर ट्वेंटी टू नंबर सिक्स नंबर वन किसी का बर्थडे हो सकता है ट्वेंटी सेकेंड पे सिक्स पे नाइन ठीक है नाइन नाइन डबल नाइन ट्रिपल नाइन सिक्सटी नाइन नंबर हो सकता है आप बार बार देखते हो ओके okay, नाउ यहाँ पे देखो आप हो सकता है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिक फील्ड में भी है एनी anyway, आपके मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है आप लोगों के लाइफ में से ना लोग लेके चले जाते हैं देते नहीं है बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यू हैव टू हैव फेथ आपके यहाँ पे ना आपको फेथ रखना पड़ेगा यू नीड टू हैव फेथ विश्वास रखना पड़ेगा या भरोसा रखना पड़ेगा उस वो जो है ऊपर जो है वो जो देख रहे हैं उनके ऊपर एंड ट्रू ऑफरिंग इज कमिंग टू यू अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं इट्स कमिंग टू यू बैलेंस हो जाएगा सब कुछ होगा फाइनेंशियल लाइफ कोर्स इट विल बी बैलेंस्ड फाइनेंशियल में कुछ प्रॉब्लम्स है तो होगा अगर आपको खुशियां चाहिए तो वो आपको मिलेगा जो आपके मन पसंद दुनिया है जो चाहते हो आप क्रिएट करना वो होगा स्टेबिलिटी आ रहा है प्रॉस्परिटी आ रहा है बेहद खुश होंगे आप ठीक है बेहद खुश होंगे आप बोलते बोलते नाइट ऑफ वेरी एक्साइटमेंट बट ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ है देखो हाउ टीचेबल आर आर यू मुझे लग रहा है बहुत रिलेशनशिप्स आपके सामने ऐसे आए हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखे हो डिस्कवर किए हो आपके अंदर क्या कमियां हैं मे बी यू आर इन ना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मे बी आई एम नॉट सेइंग हंड्रेड परसेंट बट मे बी मतलब कोई भी रिश्ता आया है आपको कुछ ना कुछ सीख देके गया है और यही एक्सपीरियंसेस और मैं आपको लाइफ परपज बताऊँ यही एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करोगे एंड डेफिनेटली वो जो भी था दैट वॉज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी वो एक आपका कर्म का एक अब वो सतो एक हिस्सा था जहाँ पे आपको वो चीज़ सहन करना पड़ा यू हैड टू टॉलरेट मे बी आपको ऐसा लग सकता है कोई लोग तो नहीं करते मैं क्यों कर रहा हूँ मैं क्यों कर रही हूँ दैट इज योर कर्मज वो हमारे कर्म होते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं कुछ कम एफर्ट्स में और कुछ लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते रहते हैं सक्सेस नहीं होता है उनका आप इसको क्या बताओगे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ठीक है तो इस बात से परेशान नहीं होना यू विल रिसीव द एबेंडेंस ऑफ योर लाइफ नाइन ऑफ पेंटकल्स ठीक है कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आप फीड कर सकते हो स्ट्रेट डॉग्स को स्ट्रीट डॉग्स को पक्षी को बर्ड्स को खिला सकते हो कुछ दाना दे सकते हो तो अच्छा है ठीक है लेकिन लोगों को बोल के मत करना ये सब चीज़ ठीक है कि मैं कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ तो इससे प्रॉब्लम्स होता है इससे आपका जो पुण्य है वो कम हो जाता है देखो आपको और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है ठीक है किसी से भी रिलेशनशिप करने से पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन होने चाहिए कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हो उनके लिए बहुत बढ़िया है कि आप लोग बहुत फोकस करने वाले मुझे बहुत ज़्यादा आउल्स दिख रहे हैं मे भी हो सकता है रात में आप जाग रहे हो आपको परेशानी हो रहा है लेकिन रात के टाइम समय पे वो समय है कि आप कुछ बहुत अच्छा चीज़ पे फोकस कर सकते हो और अपना जो है ना मुझे दिख रहा है इन द कमिंग डेज सब कुछ चीज़ आपके पास क्लियर हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसी चीज़ के बारे में किसी पर्सन के बारे में एवरीथिंग क्लियर क्लैरिटी इज कमिंग फॉर यू और आप ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, होंगे कि जो बहुत ज़्यादा प्योर होगा काफी ज़्यादा पवित्र होगा डिवोटेड होगा वो पर्सन आपके लिए और एक प्योर रिलेशनशिप आप अपने और अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपने कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सीख रिसीव किया है यू यू विल बी गोइंग टू मीट योर सोल कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी के साथ आपका मिलने मिलन होगा दैट इज फॉर डेफिनेट दिस इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये हो भी सकता है कि यू में बिकम अ लॉयर एडवोकेट और वट एवर बट दिस एक्चुअली स्पीक्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे बेसिकली आपके जो पोजिशंस है मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा रिज्यूम्स भेज चुके हो या इन्विटेशं आपको मिला है जॉब ऑफर का लेकिन आपको शायद खुशी नहीं है आप और आगे बढ़ना चाहते हो डेफिनेटली आप एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे पहुंचोगे यू विल हैव कमांड और आपके जो मॉम हैं आपके जो डैड है ठीक है स्पेसिफिकली वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं स्पेशली योर मॉम ग्रैंड मॉम जो भी है काफ़ी ज़्यादा अगर आप बिजनेस कर रहे हो घर से बैठ के मे बी दे आर दे आर गोइंग टू हेल्प यू दे आर गोइंग टू असिस्ट यू ठीक है ये एक पोजिशन है आप कंट्रोल करोगे लोगों को कंट्रोल करना मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को रूल करना नहीं यू विल बी लाइक दिस यू मे बी अ टीचर प्रोफेसर लीडर कॉर्पोरेट ऑफ द डेफिनेटली ग्रुप ओके डायरेक्टर्स सो so, अब मुझे लग रहा है यहाँ पे एक आपके हाथ में ना वो पावर होगा यू मे बी क्रेविंग फॉर पावर हो सकता है कि आप पावर पोजिशन के लिए बहुत ज्यादा आप करते हो और यू मे बी गोइंग टू मीट वेरी स्पेशल कि वो आपको बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना लोगों को मोटिवेट करना इंस्पिरेशन देना इस तरह से आपकी लाइफ डेफिनेटली बदलने वाला है और जब आपको लगेगा कि आपको यूनिवर्स हेल्प करने वाला आपको मिल जाएगा वो हेल्प राइट right टाइम पे राइट right पर्सन आपको आएंगे हेल्प करने के लिए चाहे वो पर्सनली आपको हेल्प करे, चाहे वो आपको प्रोफेशनली हेल्प करे लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ओके यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल थोड़ा सा सावधानी आपको करने चाहिए हर एक रिलेशनशिप में से जाने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन उनके बारे में ज़रूर देखें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले वो सारे चीज़ के बारे में ज़रूर देखें ठीक है अभी हम देख लेते हैं गाइस आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द डिवाइन क्या मैसेजेस है आपको क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स लेट मी सी मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स ये देखो हेल्प फ्रॉम अबब ठीक है तो इन मतलब यूनिवर्स जो है लोगों के माध्यम से आपको हेल्प करेंगे तो यू विल मीट सच पीपल जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं नेक्स्ट इज लिसन टू योर इंट्यूशन अगर आपको कन्फ्यूजन है आप प्लीज अपने इंट्यूशन को पूछिए वो सही है या नहीं आपको आंसर मिल जाएगा ओके नेक्स्ट इज ट्रस्ट ट्रस्ट कीजिए डिवाइन के ऊपर आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट शायद नहीं कर रहे या आपको बहुत ज्यादा इम्पेशन हो रहे हो आप कॉम्प्रोमाइज़ कुछ रिलेशनशिप है यहाँ पे भी देखो कोई चीज़ यहाँ पे देखो एक स्केल है यहाँ पे मे बी लियोर लिब्राइ गोइंग टू मीट सम ओके हु इज़ वेरी बैलेंस्ड ठीक है कुछ रिलेशनशिप देखो रिमेन पॉजिटिव और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई न्यू डायरेक्शन चूज करना है तो आप कर सकते हो ठीक है सो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव ठीक है कॉम्प्रोमाइज कॉन्ट्रैक्ट कुछ पाने से ठीक है आपको कुछ सरेंडर करना पड़ेगा कुछ कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी अभी कुर्बानी क्या चीज़ है आपका मेहनत है आपको सफलता तभी हासिल होगा ठीक है और अगर आपको लग रहा है कि आपको आपका इंटेशन बोल रहा है कि वो इंसान गलत है वो रास्ता गलत है सो चूज अ न्यू डायरेक्शन दैट्स इट कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रहा है क्लियर कम्युनिकेशन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे इज रीडिंग आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एन कीप वॉचिंग डिफिनेटी टेरोसिक्स वेट ट्रूथ ओनली एक्सपोजेस डार्कनेस